हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि। सो मैं जिस तरीके से आप लोगों से जुड़े रहती हूँ छोटे छोटे ब्लॉग के साथ, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों के लिए आज का जो मैं सोची हूँ कि आज जाऊँगी रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट हम और बरखा दोनों प्लान किए कि एक बार ज्योति आई थी तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि बरखा को लेकर के चलना चाहिए, तो मैं वही लेकर के जा रही हूँ। और इससे पहले एक ब्लॉग था मेरा जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो जल्दी से जा कर के देखिएगा। वहाँ पे अपर बाज़ार का है जहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी लगता है। वहाँ का चाट, वहाँ का आपका जलेबी, वहाँ का चाय, वहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं एक बार टेस्ट की थी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर की हूँ। अगर वो ब्लॉग अभी तक आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से जा करके देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। सो अभी हम लोग वहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जहाँ पे ज्योति के साथ गए थे, तो अब वहाँ पे फिर से जाते हैं बरखा के साथ और बहुत सारा इन्जॉयमेंट करूँगी और बहुत सारा वहाँ का पूरा लोकेशन आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आप लोग अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, मेरे साथ साथ चलिए, वहाँ पे हम लोग साथ में मस्ती करते हैं। और वहाँ का फूड आप लोग जब भी रांची आए तो एक बार वहाँ पे जरूर से विज़िट कीजिएगा। आपका फूड बहुत अच्छा है और अच्छे रेट में भी है, आप लोगों को वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो बिना लेट किए चलिए चलते हैं वहां पे, डायरेक्टली मिलते हैं आप लोगों से। अभी हम लोग रिफ टॉप आ गए, यहाँ पे हम लोग सारा डिनर बोलते लंच कर लिए है और ये इधर सेल्फी ले रही है बरखा। हाय बोलो। हाय। और हम लोग अभी ये है हम लड़कियों का आदत, खाने से पहले हम लोग फोटो क्लिक करेंगे उसके बाद खाएंगे। तो देखिए बरखा फोटो क्लिक कर रही है सारे खाने का, उसके बाद अभी हम लोग खाएंगे। सो फाइनली अभी हम लोग रूम पहुंच गए और उतना ज़्यादा हम लोग आज सूट नहीं कर पाए क्योंकि आज फिर से बारिश हो गया और प्लान सारा फ्लॉप हो गया। हम लोग छत अभी आ गए और यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सारा बारिश वगैरह हो रहा है। आज हम कुछ भी सूट नहीं कर पाए, अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप लोगों के लिए हमेशा कुछ अच्छा अच्छा चीज़ ब्लॉग वगैरह लेकर के आती हूँ, लेकिन आज जब बाहर गई उसके बाद से इतना बारिश होने लगा कि कुछ भी उतना अच्छा से सूट नहीं कर पाई। अभी छत आई हूँ तो छत का कुछ कुछ अच्छा अच्छा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो आप लोगों को मैंने छत का सारा व्यू आप लोगों को शो कराया, फिर भी एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे वगैरह लगा हुआ है। और इसका जो फूल लगाने का जो तरीका ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने भी अपने घर में इसी तरीके से मम्मी पापा लोगों को बोलूँगी कि इस तरीके से फ्लावर मतलब फ्लावर पॉट आप लोगों को अलग से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। इसमें दीवार में ऑलरेडी फ्लावर पॉट मतलब फ्लावर पॉट बनाया हुआ है जिसपे प्लांट लगा हुआ है। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, जैसे फूल लगाने के लिए फ्लावर पॉट बना हुआ है, वो भी दीवार से जुड़ा हुआ, ये बाउंड्री है और ये फ्लावर पॉट है। तो इसी तरीके से इधर भी बना हुआ है, ये सब तरफ इसी तरीके से ढेर सारा बना हुआ है। और इस इधर सब्जी लगाने के लिए
और फिर से जोर से बारिश होने लग गया, फिर नीचे चलना पड़ेगा। देखिए इस साइड भी फ्लावर लगाने के लिए इस तरीके से पूरा बना हुआ है, और भी अच्छा लगेगा जो फ्लावर पॉट बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। फ्लावर पॉट अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, गमला नहीं खरीदना पड़ेगा, ये फ्लावर लगाने के लिए। और बहुत जोर से बारिश। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। बाय। देखो कैसे इंट्रो लेके गई है ये लड़की। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तब हम लोग नीचे चलते हैं डायरेक्टली। सो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो बरखा बोल दो मेरे लाइक सब्सक्राइब और ये सारा। लाइक करिएगा, दबा के सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए सृष्टि को, बेचारी बहुत मेहनत करती है सच में। ठीक है, सो बाय बाय। बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बाय बाय, फिर मिलते हैं छोटे छोटे ब्लॉग के साथ।